स्टूडियो मैं मधुनी की फिर से आ गई है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम घर पे ही बाल कटवाने वाले हैं और इससे मिले ये है मेरी ब्यूटी पार्लर वाली गर्ल, इसे ही बाल कटवाए हैं। इसने ब्यूटी पार्लर सीख रखा है तो मैंने बोला चला आज तेरा टेस्ट लिया जाए और हम अपने बाल भी जो है घर पे ही कटवा लें। तो इसने दोनों तरफ रबड़ लगा दी क्योंकि जो आगे के बाल है उसके अलग कटिंग होगी और पीछे के बालों के उस तरह की कटिंग होंगी। तो हमने गूगल सर्च करा, मेरा मन था मेरे को फैदर कटिंग अच्छी लगी थी तो मैंने कहा मेरी फैदर कटिंग, बट इसने मुझे सजेस्ट किया कि तेरे बाल पतले हैं, फैदर कटिंग थोड़े हैवी वालों तो उस पर ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने इसको ही बोल दिया कि तू ही डिसाइड कर ले कि तू कि कौन सी कटिंग मेरे पर सही लगेगी, तो तू वही कर दे। तो ये फैसला मेरा अच्छा ही था और तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, तो क्योंकि इसने ब्यूटी पार्लर सीख रखा है तो इसे अच्छे से पता है। तो इसने मेरी जो करी वो करी स्टेप विद लेयर कटिंग करी और मुझे अच्छी लगी। और ये दोनों आगे की तरफ रबड़ बांधे इसने, जुगाड़ हमने किया क्योंकि हमारे पास बोतल स्प्रे भी नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे पास सिर्फ कंघी थी नॉर्मल और वो था कैची थी, उसी से इसने काटे हैं बाल। और हमारे पास आप देख सकते हैं वो प्लास्टिक की जो शीट होती है वो भी नहीं थी, हमने ये पीछे सब बांध लिया दुपट्टा सा ऐसे ही बांध के। हमारे पास ब्लो ड्रायर कुछ नहीं था तो हमने ब्लो ड्रायर नहीं मारा, हम करवाया मेरे बालों पे। वैसे भी कहते हैं ब्लो ड्रायर जो हॉट वाला होता है उससे बाल सेट तो हो जाते हैं बट वो डैमेज भी कर देते हैं, तो मैंने कहा नहीं ये कोई बात नहीं, वैसे भी खराब ही हो जाने, सोऊंगी उसके बाद खराब ही हो जाने, बंदा मैंने वही भूतने हैं। तो इसने मतलब मेरी कटिंग अच्छी करी। और मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर किसी को ब्यूटी पार्लर आता है, उसे ब्यूटी पार्लर आता है, वो घर पे ही अगर बाल काटता है ऐसे थोड़ा जुगाड़ करके तो कोई बुरा नहीं है। हमने भी हमारे पास भी कोई शीट वीट नहीं थी, कोई स्प्रे की बोतल नहीं थी, तो इसने पानी करके ऐसे ऐसे करा, इसने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी मैं ऐसे कह सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, इतना तो बनता ही है। फिर ये आप देख सकते हैं मेरी लुट कैसे ये सलाह रही है मेरी लुटों को। फिर इसने मेरे को बोला कि मुझे ना ऐसा लग रहा था तेरे ना आगे के बाल थोड़े लंबे हैं तो थोड़ा और काट देती हूँ। मैंने बोला तू देख ले तुझे जैसा सही लगे। तो ये फाइनली मेरा लुक है। इससे मैंने बोला कि अब कट गए, तो इसने बोला हाँ कट गए देख। तो मेरे को ऐसे दिखाने लगी और फिर मैंने बोला हाँ अच्छे लग रहे हैं मुझे सही में, बाकी में अच्छे लगे। तो इसने मेरे को बोला कि चल पीछे से ऐसे, इसने मेरे को बोला कि हाँ चल पीछे से कलेक्चर वाला लुक कर। और इसने फिर हाथ फेराया, ये देखो ये कटिंग है स्टेप विद लेयर कटिंग है, मुझे अच्छी लगी। तो इससे लग रहे थे थोड़े हाँ बाल मोटे, वरना तो ऐसे पुच्छड़ सी लग रही थी, घोड़े की पूछ जैसी, लंबे लंबे होने का क्या फ़ायदा, मोटे भी होने चाहिए ना थोड़े। तो ये देखो ऐसी कटिंग आएगा पूरा व्यू ऑफ द पॉइंट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय, केयर।